तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैक लैब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम आपको यूज करना बताते हैं कि कैसे बैलेंस को यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लेवल, जो बैलेंस का लेवल होता है उसको सेंटर में है या नहीं है वो देखना होता है। सबसे पहले देखो, जैसे इस बैलेंस का लेवल है बिल्कुल सेंटर में है, तो ये मतलब कैलिब्रेशन के लिए तैयार है। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ बैलेंस का जिसका सेंटर में नहीं है, ये बबल्स, ये देखो। इसके लिए हमें पहले इसको सेंटर में करना होगा, तब उसके बाद इसका कैलिब्रेशन स्टार्ट करना है। तो अभी हम इसको कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक वेइंग बैलेंस को हम 3 पॉइंट पे कैलिब्रेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है लिनियरिटी, जिसमें हम इसकी मिनिमम रेंज से मैक्सिमम रेंज तक इसको कवर करते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। सेकंड पॉइंट होता है इसका एसेंट्रिसिटी, जिसमें हम इसके पैन पर मार्किंग करते हैं। 6 मार्किंग दिख रही होगी आपको, ए बी सी डी ई और एफ। इस पर हम अलग अलग पॉइंट पे हम लोग वेट रखते हैं और मैक्सिमम एरर चेक करते हैं इसमें। और तीसरा पॉइंट होता है हमारा रिपीटेबिलिटी, जिसको हम या तो मैक्सिमम लोड तक या फिर 50% पे इसको सेंटर पे रख के 5 बार या 10 बार लेते हैं। तो ये रहे हमारे स्टैंडर्ड वेट्स, इसकी हेल्प से अब हम अपना विंग बैलेंस कैलिब्रेट करेंगे और दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लीनियरिटी टेस्ट करते हैं। तो लीनियरिटी टेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम विंग बैलेंस को चालू करेंगे और इसको जीरो पे सेट करेंगे। अगर इसमें थोड़ा भी एरर होगा तो हम उसको सबसे पहले टेयर करेंगे, उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं जैसे पहले ही ऑलरेडी टेयर है। तो सबसे पहले अब हम इसमें मिनिमम वेट रखते हैं और देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है। तो ये हमने मिनिमम वेट लिया और इसके सेंटर में रखना है हमें। तो देख सकते हैं जैसे कि आप, ये 1 ग्राम का था और 1 ग्राम रीडिंग शो कर रही है इसमें। अब इसको हटाएंगे और इसके बाद स्टेप वाइज हम लोग बढ़ाते रहेंगे वेट। जैसे 1 ग्राम के बाद अब हम 2 ग्राम रखेंगे इसके ऊपर और ये रीडिंग आ रही है इस पे। उसके बाद हम इससे भी ऊपर जाएंगे, 5 ग्राम। उसके बाद 10 ग्राम, बीस ग्राम, पचास ग्राम, उसके बाद 100 ग्राम, तो जैसे आप 100 ग्राम पर एरर देख सकते हैं, 0.04 ग्राम का आ रहा है। और ये हमारा 200 ग्राम है, 200 ग्राम पे 0.09 एरर आ रहा है। तो लिनियरिटी हमें इसी तरीके से चेक करनी है। स्टेप वाइज हमें मैक्सिमम लोड तक जाना है, स्टेप वाइज बढ़ते रहना है। ये हमारा 1 kg वेट है, स्टैंडर्ड वेट हमारा 1 kg है और उस पर हमारा बैलेंस ये रीडिंग शो कर रहा है। और ये हमारा स्टैंडर्ड वेट है 5 kg का और इस पर हमारा जो बैलेंस है ये रीडिंग शो कर रहा है। तो इसी तरीके से हमें लिनियरिटी चेक करनी है मैक्सिमम लेवल तक। हमने आपको लिनियरिटी चेक करके दिखाया, अब हम आपको एसेंट्रिसिटी चेक करके दिखाते हैं। तो एसेंट्रिसिटी के लिए हमें बैलेंस की जो रेंज होती है उसका या तो 1/3 इसका स्टैंडर्ड वेट लेना है या फिर 50% का। तो हम लोग इस वक्त 50% के स्टैंडर्ड वेट से करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले पॉइंट पर आपको रखना है ए पर और उस पर जो रीडिंग आ रही है वो आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद आपको उठाना है और जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाए, जब ज़ीरो हो जाए उसके बाद सेकंड पॉइंट पर रखना है, बी पॉइंट पर। उसके बाद आपको रीडिंग नोट करनी है, फिर उठाना है आपको और फिर जब ज़ीरो हो जाए उसके बाद फिर सी पॉइंट पर।
उसके बाद रीडिंग नोट करनी है, फिर आपको उठाना है और फिर 0 हो जाने के बाद डी पॉइंट पर रखना है आपको, फिर रीडिंग नोट करनी है, फिर उसके बाद उठाना है, 0 होने के बाद ई पॉइंट पर रखना है, फिर उसके बाद उठा के दोबारा से आपको सेंटर में एफ पॉइंट पर रखना है, इस तरीके से एसेंट्रिसिटी आपने देख लिया। अब आपको हम रिपीटेबिलिटी चेक करके दिखाते हैं। ये भी हमें या तो फुल लोड पे लेना है जो आपकी मैक्सिमम रेंज है वेइंग बैलेंस की उस पर, या फिर 50% पे। तो हम लोग 50% पे करके दिखाते हैं आपको। तो स्टैंडर्ड वेट को आपको सेंटर में रखना है इस तरीके से, और जो रीडिंग आ रही है उसको नोट करना है। उसके बाद आपको उठाना है, 0 होने के बाद फिर आपको दोबारा उसी पॉइंट पे रखना है, और फिर आपको रीडिंग नोट करनी है, फिर आपको दोबारा उठाना है, फिर 0 होने के बाद फिर आपको उसी पॉइंट पे रखना है। इसी तरीके से आपको 5 बार या फिर 10 बार रिपीटेबिलिटी लेनी है इस तरीके से, फिर एक बार और, ये 0 होने के बाद एक बार और रखते हैं इस तरीके से, आप इसकी रिपीटेबिलिटी ले सकते हैं। तो ये था हमारा एक वेइंग बैलेंस को कैलिब्रेट करने का प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम लोग आगे भी इसी तरह की वीडियो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे कैलिब्रेशन की वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।